अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सदरा, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आपको वेलकम करती हूं। मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रिंकल्स और लाफ लाइंस होती हैं जो हमारी आई के पास जो रिंकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और जो लाफ लाइंस होती है, जैसे हम हंसते हैं तो लाफ लाइन बनती है, उसको रिमूव करने के 4 इजी स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्किन के अंदर फैट सेल्स होते हैं, ये सेल्स एजिंग के टाइम लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे चेहरे पर रिंकल्स और लाइफ लाइन बन जाती हैं। इसकी मेन रीज़न जो है वो है आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है और आपके फेस पर लाइन बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप एज से बड़े लगने लगते हैं या फिर आपकी एज 40 प्लस होती है तो ये रिंकल्स आपके फेस पर शुरू हो जाते हैं। बढ़ती हुई उम्र के हिसाब से आपके फेस पे लाइंस और रिंकल्स बनना खुद ब खुद शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं आपके साथ आज 4 इजी स्टेप शेयर कर रही हूँ, जिसको एक मंथ तक यूज करने से इंशाल्लाह आपको काफी डिफरेंस फील होगा। स्टेप नंबर 1 है, वो है आलमंड ऑयल की मसाज। आलमंड ऑयल से अपने आईज के पास जहाँ रिंकल्स है और लाफ लाइन के पास 2 मिनट के लिए आपको मसाज करनी। आपको 2 से 3 ड्रॉप्स आलमंड ऑयल लेने हैं और जहाँ रिंकल्स है जैसे आई के पास लाइंस बनती हैं आपकी, तो आपको वहाँ पे से मसाज करनी है और लाफ लाइन के पास ऐसे मसाज करनी है कि जैसे आप अपने फेस को ऊपर लिफ्ट करें। तो आपको 2 मिनट तक इससे मसाज करनी है। आलमंड ऑयल का इस्तेमाल आपकी स्किन को टाइट बनाएगा, फाइन लाइंस और रिंकल्स को ख़त्म करेगा। स्टेप नंबर 2 है, वो है मॉइस्चराइजिंग। रात को कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर लगाकर सो जाएं ताकि पूरी रात आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे। या फिर ये देखें आप, ओले की मॉइस्चराइज क्रीम आती है और जो 40 प्लस होती है, जिनकी एज 40 प्लस होती है, वो इस क्रीम को ज़रूर यूज़ करें, या तो फिर आप सिंपल एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 है एग वाइट। आप अपने फेस पे एग वाइट लगाएं। एग वाइट आपकी स्किन को टाइट बनाएगा, जो रिंकल्स हैं उसको ख़त्म करेगा और आपकी स्किन को लिफ्ट करेगा। एग वाइट आपकी स्किन को टाइट करता है और आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को ख़त्म करता है। आपको एक अंडा लेना है और इसकी सिर्फ सफ़ेदी लेनी है। आपको एक बाउल में अंडे की सफ़ेदी लेनी है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके आपको इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। पहले आप अपने फेस को ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लें और इसके बाद जो एग वाइट है उसको आप अपने फेस पर लगा लें और 15 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दें। आफ्टर 15 मिनट्स आप देखेंगे कि आपकी स्किन ऑटोमेटिक टाइट होना शुरू हो गई है। फिर आप एक और लेयर एग वाइट की लगाएं और आफ्टर 15 मिनट्स आप ठंडे पानी से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें। वीक में 2 बार ऐसा ज़रूर करें। इंशाल्लाह इससे आपकी स्किन ऑटोमेटिक टाइट होना शुरू हो जाएगी और फाइन लाइंस और रिंकल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। स्टेप नंबर 4 है, वो है फेशियल एक्सरसाइज। आप अपने फेस पे रोज़ाना 10 से 15 मिनट के लिए फेस एक्सरसाइज ज़रूर करें। जैसा इस पिक्चर्स में बताया गया है, उसी तरीके से आप अपने फेस की अच्छी तरह एक्सरसाइज करें, अपने फेस को ऊपर लिफ्ट करें और जैसा इस पिक्चर्स में बताया गया है, अकॉर्डिंग टू पिक्चर आपको एक्सरसाइज करनी है। इंशाल्लाह एक मंथ के इस्तेमाल से ही आपके जो फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और लाफ लाइन जो बनती है वो भी आपकी स्किन ऑटोमेटिक टाइट होना शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज करने से आपके जो रिंकल्स और लाइंस हैं वो उसमें ऑटोमेटिकली डिफरेंस आपको खुद फील होगा। आपको 1 महीने तक रोज़ाना ऐसे ही एक्सरसाइज करनी है जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।